नमस्कार, मैं हूं शिवांगनी प्रसाद और आप देख रहे हैं न्यूज बीके। और मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। समय है खबर फटाफट का। खबरों की शुरुआत करेंगे लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मऊरानीपुर में ठहरने का आलीशान स्थान होटल बेलव्यू रेस्टोरेंट, जहां है लजीज खाना, कॉन्फ्रेंस हॉल, फुली एयर कंडीशन रूम्स। यहां मिलेगा वाईफाई नेटवर्क के साथ स्वच्छ वातावरण। एक बार जरूर आए। नारायण टॉकीज के पास स्टेशन रोड मऊरानीपुर। कॉन्टैक्ट 9936107730। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की प्रोग्रेस रुक गई है, बच्चों को पर्सनल अटेंशन और सुरक्षा की जरूरत है और आपको अपने एरिया में अच्छे स्कूल नहीं मिल रहे, तो अब आप बच्चों की जिम्मेदारी छोड़ दीजिए हम पर। जी हाँ, क्योंकि यहाँ अनुभवी शिक्षकों द्वारा बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ निखारते हैं उनकी पर्सनालिटी को। स्कूल में वर्चुअल और वीडियो लर्निंग के साथ प्रैक्टिकल लर्निंग की समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जल्द एडमिशन कराएं। एकेडमिक हाइट्स स्कूल, सलासर धाम कॉलोनी, नियर ब्लॉक ऑफिस बिहाइंड होटल सिप पैलेस, मऊरानीपुर। ब्रेक के बाद स्वागत है और पहली खबर झांसी से। प्रदेश सरकार ने त्रिस्तरीय चुनाव की अधिसूचना की जारी। कुल 4 चरणों में होगा मतदान। 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 व 29 अप्रैल को होगा मतदान। 2 मई को आएंगे चुनाव परिणाम। झांसी में पहले चरण में होगा मतदान। ओरछा में रामराजा के दर्शनों पर नहीं लगेगी रोक। क्षेत्रीय वासियों की अपील पर प्रशासन ने बदला फैसला। कोविड नियमों का पालन करते हुए होंगे प्रभु राम के दर्शन। पहले मंदिर में दर्शनार्थियों पर लगी थी रोक। और झांसी में मुस्लिम समाज के लोगों के लिए नया फरमान। अब शादी में डीजे, बैंड बाजा और फिजूल खर्ची दिखी तो नहीं करेगा कोई शिरकत। निकाय पढ़ने वाला भी नहीं जाएगा शादी में। झांसी में देवबंदी, बरेलवी और सिया उलमा एक राम व आवाम के लोगों ने लिया फैसला। किसानों का 7वें दिन भी रहा धरना प्रदर्शन जारी। सम्मानित करने बुलाया था अधिकारियों को, जब कोई नहीं पहुंचा तो खाली कुर्सियों का हुआ सम्मान। किसान बोले कि बुंदेलखंड का किसान हो गया है नाथ, नहीं है कोई सुनने वाला। झांसी मंडल में तेंदुपत्ता की क्रय दर का प्रस्ताव प्रेषित करने को लेकर बैठक हुई संपन्न। मंडल आयुक्त सुभाष चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में वन विभाग के अधिकारी भी रहे मौजूद। झांसी के इस्कॉन मंदिर से निकाली गई हरिनाम संकीर्तन यात्रा। कई श्रद्धालुओं ने लिया यात्रा में भाग। कीर्तन भजन में झूमते दिखे भक्त। और झांसी रेलवे स्टेशन पर नन्हों के साथ पूछताछ के विरोध में उतरे झांसी के कांग्रेसी नेता। भारत सरकार से मांगा जवाब। बोले आखिर क्यों हुआ है ईसाई महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार। दरअसल सफर कर रही नन्हों पर धर्मांतरण का लगातार आरोप, जिसके बाद रेलवे पुलिस ने की थी पूछताछ। झांसी में घरेलू महिलाओं ने होली से पहले ही उड़ाया रंग गुलाल। बोली होली में घर के काम काज में हो जाएंगे काम में व्यस्त, इसलिए सहेलियां जमकर खेली रंग गुलाल के साथ होली। और झांसी के मैथिली शरण गुप्त पार्क में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त एवं संत कवि सियाराम शरण गुप्त की प्रतिमाओं का हुआ लोकार्पण। सभापति विधान परिषद कुंवर मानवेंद्र सिंह व झांसी सांसद अनुराग शर्मा के साथ सदर विधायक और महापौर भी हुए शामिल। झांसी में रंगारंग काव्य समारोह कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अखिल भारतीय साहित्य एवं जन कल्याण समिति द्वारा किया गया था कार्यक्रम। और मऊरानीपुर में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय पाल सिंह परिहार, शेखर राज बड़ोनिया के संयुक्त नेतृत्व में किया गया धरना प्रदर्शन। राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन सौंपा गया एसडीएम को। गुरसराय में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की नगर तहसील स्तरीय बैठक का हुआ आयोजन। संगठन के आधार पर विस्तार को लेकर पत्रकारों ने की चर्चा। सदस्यता बढ़ाए जाने पर दिया गया बल। और जालौन नगर क्षेत्र में ड्रग इंस्पेक्टर रेखा सचान की टीम ने विभिन्न स्थानों पर की ताबड़तोड़ छापेमारी। साथ में खाद्य विभाग की टीम एवं उप जिलाधिकारी जालौन गुलाब सिंह तथा कस्बा चौकी प्रभारी विकास सिंह जादौन की टीमें रही मौजूद। ऑक्सीटोसिन की बिक्री की सूचना पर हुई थी कार्रवाई। निवाड़ी के सिमरा खास गाँव में कर्मचारी और उपभोक्ताओं के बीच हुआ विवाद। राशन वितरण को लेकर जमकर चले लाठी डंडे। विवाद का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें खबर फटाफट में।
कल फिर इसी समय मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए न्यूज़ बीके। नमस्कार।